तो ये देखिए फ्रेंड, उसके बाद एक तरफ इसी तरह पाका करना है और हेमिंग के लिए इसी तरह पाका करना है। और देखिए दोनों प्रोसीड्यूर एक ही है, हम सिर्फ एक बाद में लॉक दे रहे हैं जिस जगह में हेम होता है। और ये देखिए थोड़ा सा बाहर करके इसे लगाना पड़ता है। और उसके बाद देखिए, और ये देखिए इस जगह में थोड़ा सा हमने अंदर कर दिया है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा शेप आता है इस जगह में बॉडी में, नहीं तो झूल जाता है। और फ्रेंड ये देखिए कौन सी जगह में हमें प्लीट देना पड़ता है। एक है जो फ्रंट और बैक जिस जगह में हम जुड़ते हैं वो जगह में एक हमें प्लीट देना पड़ता है। दूसरी जगह है जिस जगह में पीछे में हम डार्ट देते हैं वो जगह में देना होता है, यानी कि जिस जिस जगह में दोनों पर जुड़ा हुआ है सभी में हमें प्लीट देना है। डाउन लगाने के बाद ही आपको देना है। और ये देखिए हमारा जो जुड़ा हुआ है इस जगह में प्लीट दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, और ध्यान में रहे हमने उस तरफ स्टार्ट किया है इसे, जैसे कि थोड़ा सा छोड़ के उस तरफ भी थोड़ा सा छोड़ के मैंने स्टार्ट किया था, इसी तरह दोनों तरफ इक्वल करना है। इसके बाद देखिए लॉक देना है, उसके बाद डाउन में वो दोनों में एक ही है, जैसे कि हेमिंग प्रोसीड्यूर में एक ही है और मशीन चलाने के उसमें भी एक ही है। अगर आप लोग हेम करना चाहते हैं फ्रेंड तो तैयार हो गया है। उसके बाद हमें इसी तरह ऐसे फोल्ड करके और इस जगह में हम लोग हेम कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं है, मगर हम लोग मशीन में करेंगे। ये देखिए मशीन का तरीका, ये देखिए। तो इसी तरह करेंगे, करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ। एक बात फ्रेंड बता दो आप लोगों को, जैसे कि आप लोग अगर मशीन में ही स्टिच करना चाहते हैं तो इतना प्लीट देने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि दोनों जुड़ा हुआ जगह में पीछे में जिस जगह में डार्ट दिया है वो जगह में इतना देने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग हेमिंग करें तो इतना सब ठीक ठाक है, अगर मशीन में आपको इसका लॉक देकर इसको फिनिश करें इसी तरह तो आपको इतना प्लीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए दोबारा हम ऐसे और एक स्टिच दे रहे हैं। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से मैंने ये पाका करना है, तो इसलिए जैसे कि होता है ना हाफ हाफ करके, जैसे कि पहले हाफ उसके बाद हाफ, इसी तरह करके मैंने स्लीव का जो बटन है उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और दूसरे में आप लोगों को दिखा रहा हूँ हेमिंग कैसे करना होता है। हेमिंग में फ्रेंड उसका कटिंग थोड़ा सा अलग होता है, मैं देखिए कागज में दिखा रहा हूँ पहले आप लोगों को। तो फ्रेंड ये देखिए जैसे कि हेमिंग ब्लाउज जैसा होता है ना, ये तो ये देखिए आप मानिए, जैसे कि ये हमारा ब्लाउज का स्लीव है, ब्लाउज स्लीव नहीं है, कुछ भी करिए तो हेमिंग का यही टेक्निक होता है, ये देखिए। और उसके बाद ऐसे करना पड़ता है बस, और कुछ भी नहीं है फ्रेंड। तो देखिए इसे मैं कट कर रहा हूँ। बाकी प्रोसीड्यूर सेम ही है, सिर्फ इस जगह को अलग अलग से करना होता है।
तो उसमें क्या होता है, पहले हमें इसी तरह इस जगह को पाका करना होता है सिंपल सा, और उसके बाद ये जो जगह होता है ना, इस जगह को ये देखिए, इस जगह को ऐसे करना पड़ता है, थोड़ा सा इस जगह में पका करके ऐसे स्टिच कर देने से, उसके बाद जब सीधा हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली दोनों साइड बैठते जाएगा। बस यही थोड़ा सा अलग होता है, और भी हेमिंग का और भी अलग से टेक्निक होता है, वो मैं बाद में अगर दिखाने का मौका मिला तो हम दिखा देंगे। और फिलहाल जैसे कि इसमें हम मशीन से कंप्लीट कर रहे हैं, देखिए स्लीव को जिस तरीका से करता हूँ उसी तरीका से आप देखते रहिए। और फ्रेंड ये देखिए इसी तरह हमने पाका कर लिया, क्योंकि हम मशीन में फिनिश कर रहे हैं, और अगर चाहूँ मैं इसमें पाइपिंग लगा सकता हूँ इसमें, ठीक है, इसमें चाहूँ तो पाइपिंग लगा सकता हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पाइपिंग लगाना आप लोग तो जानते हैं। और इसमें जैसे कि दोनों तरफ एक ही होता है रेडीमेड में, कोई चेंजिंग नहीं होता है, मगर ऑर्डरी में हम लोग क्या करते हैं इसी तरह तलपता हाथा हम कर देते हैं तलपता, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, मगर रेडीमेड में नहीं चाहिए। देखिए किस तरीके से तलपता हाथा कट कर रहा हूँ मैं, और दोनों प्यार कर लिया है, और उसके बाद देखिए इसी तरह थोड़ा सा डेप्थ करके हमें कट करना पड़ता है, यानी कि दोनों स्लीव अलग अलग हो गया है, यानी कि ये मेंशन कर दिया है ये हमारा फ्रंट की तरफ है, एक लेफ्ट में एक राइट में। और उसके बाद हम स्लीव लगाएंगे, तो स्लीव को इसी तरह सीधा कर लेंगे जैसे कि उल्टा था, उसके बाद हम सीधा कर लेंगे, और ये देखिए तालपाता हो गया है। मगर हम लोगों को फ्रेंड रेडीमेड में तालपाता नहीं करना है, देखिए किस तरीके से स्लीव लगा रहा हूँ, ब्लाउज को मैंने उल्टा कर लिया है। और उसके बाद फ्रेंड ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, जो बगल के नीचे वाला हिस्सा है, उस जगह से हम स्टार्ट करेंगे, और ये जो जुड़ा हुआ जो पार्ट है इस पार्ट को इस तरफ फोल्ड है, और इस पार्ट को हम उस तरफ से लगाएंगे। और सिंपल सा सिस्टम देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्या फॉलो करना है, ये जो बॉडी का जो साइड होता है ना और स्लीव का साइड, दोनों इसी तरह मिलाना पड़ता है, बस और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा। ये देखिए फ्रेंड हमारा स्लीव लगाना हो गया है। तो इसी तरह हम दोनों स्लीव लगा के उसके बाद हम सिर्फ जो रह गया है गला, गला में इसके बाद में दिखा रहा हूँ नेक को किस तरीके से हेमिंग में भी किया जा सकता है और पाइपिंग में भी किया जा सकता है, तो दूसरा स्लीव लगा के उसके बाद में दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड एक कंधा में फ्रेंड जो टीप बोतम लगाने के लिए दोनों साइड का एक टेप चाहिए हमें लगाना पड़ता है, जो टीप बोतम लगाते हैं, ब्लाउज तो हमने स्लीव लगा दिया है उसके बाद ही हमें लगाना है वो। देखिए किस जगह से लगा रहा हूँ, ऊपर का हिस्सा में इसी तरह लगा रहा हूँ। इसी तरह दोनों तरफ लगाना है, दोनों स्लीव में ही लगाना है, मैंने यानी कि दोनों कंधा में। और फ्रेंड ये देखिए जैसे कि आपको नेक में लगाने के लिए ओरोपट्टी कटिंग करना है, ये देखिए इसी तरह, देखिए मैंने तीनों टाइप आप लोगों को दिखा रहा हूं नेक लगाने का। देखिए सबसे पहले हमें अपना जो नेक है उसे शॉर्टिंग करना है इसी तरह, अगर ठीक ठाक हो, हमारा तो ठीक ठाक ही है, तो ठीक ठाक हो तो उसके बाद देखिए इसी तरह ओरोपट्टी लेकर हमें लगाना है। तो फिर मैंने पूरा तो नहीं लगाऊंगा, मैं सिंपल से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसी तरह। और इसे लगाने से पहले फ्रेंड आप लोग अगर इसी तरह पाका कर लीजिए
तो उसमें बहुत आसान होगा, और नहीं तो आप इसी तरह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हेमिंग हेम करेगा वो अपने अपनी हेम कर लेगा। और सिर्फ एक बात आप लोगों को बता दूँ, जब भी कोई घुमाने का जगह आएगा तो सिर्फ आपको प्लीट देना है, ऐसा ऐसे करके प्लीट देना है। और उसके बाद जब इस जगह में जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, सब ठीक ठाक है। और ये देखिए, इस जगह में जब आएगा फिर सिर्फ इस जगह में करने का तरीका ये है, ऐसे करके देना है बस ऐसे, और इधर से स्टिच चले जाएगा। और बाद में ये कट कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सिर्फ इस जगह में जैसे कि स्क्वायर नेक होता है, तो उस जगह में इसी तरह सीधा आएगा, उसके बाद इस जगह में आएगा, उसके बाद इसी तरह करके स्टिच होना है। चलिए इस जगह में थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आप लोगों को। आप मानिए जैसे कि ये हमारा पोटी लगाते लगाते मैं आ रहा हूँ इस जगह में, ऐसे ऐसे। और इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं बस। अब चाहे जितना बड़ा ले सकते इस जगह में लीजिए, तो लगाने में और आसान होगा। ये देखिए जो स्क्वायर वाला नेक है उस जगह में इसी तरह हम लोग करते हैं ऐसे। मैं और नहीं दिखाऊंगा, दिखाने की जरूरत नहीं, आप लोग तो जानते हैं। और इसके बाद इस जगह में आपको कट करना पड़ता है, तो जैसे ही कट करेंगे ये नीचे की तरफ जाके वो कोण हो जाएगा। ये एक प्रोसीड्यूर होता है, जैसे कि जो प्लेन वाला ब्लाउज होता है, और कोई किसी ने अगर स्टिच दिखाना नहीं चाहता है तो उन लोगों के लिए ये टेक्निक ठीक है। और दूसरा एक टेक्निक मैं दिखा रहा हूँ, उसमें क्या है, जैसे कि इसी तरह एक पोटी को हम कर लेते हैं इसी तरह, सभी ओरोप लगेगा फ्रेंड, ओरोप नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये देखिए इसी तरह हम लगाते हैं इसी तरह, और इस जगह में भी आए तो इस जगह में ही वो ही टेक्निक है, ऐसे करके लगाए और उसके बाद जैसे उल्टा करके हम उसे फिनिश कर दे सकते हैं। और चाहे तो मैं इसे ऐसे करके उल्टा करके उसके बाद सीधे की तरफ, मैंने इसका अगर कोई डिज़ाइन है तो हम दिखाना चाहते तो दिखा सकते हैं इसी तरह। राउंड में कोई परेशानी नहीं है, मगर स्क्वायर नेक में इसी तरह करना है। मगर मैं जो आज आप लोगों को दिखाऊंगा वो है पाइपिंग में, हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस ब्लाउज। तो देखिए पाइपिंग किस तरीके से लगाना होता है, बहुत ही आसान है, इसी तरह सेम प्रोसीड्यूर है। और ये देखिए फिर मैं पाइपिंग लगाना दिखा रहा हूँ, और ये पाइपिंग को मैंने पहले से ही काटा कर लिया है। और जो लगाना है किस तरीके से, देखिए सिंपल सा टेक्निक है। ये जो पाइपिंग का जो थिकनेस है वो थिकनेस जैसा वैसा ही रखिए, और इस जगह में जैसा है अपना पाइपिंग को इसी तरह साइड में देना है, यानी कि इक्वल रखना है बॉडी के साथ। और हम जो नीडल से जो स्टिच कर रहा है वो नीडल हमारा जो कॉट का जो स्टिच है वो उसके जगह में ही देना है, यानी कि पहले एक स्टिच कॉट के अंदर है उसका लेफ्ट में हमेशा हमें स्टिच देना पड़ता है, ये टेक्निक है। देखिए नेक स्क्वायर नेक में किस तरीके से करते हैं, इसी तरह बैठना है और इसके बाद हमें इसी तरह घुमा देना है। ये कपड़ा सीधा रहेगा एकदम, और कोई रिंकल भी नहीं रहेगा, इसी तरह स्ट्रेट करके हमें देना है बस। ऐसे कुछ नहीं, ये पूरा लगा के उसके बाद में दिखा रहा हूँ। और इसी तरह हमें कोई भी कोण हो तो हमें कट करना होता है इसी तरह, और इस जगह में इसी तरह हम कट करेंगे। और ये देखिए इस जगह में थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ घुमाने का तरीका, तो इसी तरह हमें लॉक देना है। फर्स्ट स्टिच एकदम पाइपिंग के बराबर देना है, और दूसरा स्टिच थोड़ा सा साइड में देना है। तो ये करके उसके बाद में दिखा रहा हूँ दूसरा स्टिच देने के बाद। और ये देखिए इस जगह में कैसे हम पक्का करते हैं, ये देखिए इसी तरह करके इसके अंदर हम दे देते हैं, बस हो गया है। तो फ्रेंड ये देखिए और एक स्टिच दे रहा हूँ मैं, और ये देने के बाद ही हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा।
तो फ्रेंड ये देखिए हमारा स्टिच हो गया है और मॉडल में मैंने पहना दिया है, तो इसी तरह ये दिखेगा। ठीक है, देखा आपने कितना अच्छा इस जगह में फिनिशिंग आया है। ये देखिए एक्स्ट्रा साइड में कोई रिंकल भी नहीं है, और नीचे की तरफ देखिए इस जगह में जो जैसा है वैसा देखिए कितना अच्छा ये इसका फिनिशिंग है। तो ये था फ्रेंड, जैसे कि रेडीमेड वाला जो स्टिच होता है वो सभी में एक ही जैसा होता है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सा अलग है। मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में वो दिखा दूंगा, जैसे कि ऑर्डरी वाला कैसे काम करना है। तो इसमें कुछ मेजरमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही पैटर्न में हमारा सिर्फ हाफ इंच था और वो स्टिचिंग में वो चला जाता है और जैसा आता है। और रेडीमेड का एक मेज़रमेंट होता है, जैसे कि हमारा फार्मूला है, आप लोगों ने तो फार्मूला हमसे ले लिया है, तो उसमें सारे डिटेल्स है। तो इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलूँगा, आज के लिए इतना ही था फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।